वहीं ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने 14 साल बाद सत्ता में वापसी कर ली है। 5 जुलाई को आए नतीजों में पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। उसे 650 में से अब तक 392 सीटें मिली हैं। ब्रिटेन में सरकार बनाने के लिए 326 सीटों की जरूरत होती है। जानकारी के मुताबिक चुनाव के दौरान लेबर पार्टी को लीड करने वाले सर कीर स्टार्मर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। वहीं 2022 से कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व कर रहे ऋषि सुनक को अब तक सिर्फ 92 सीटें ही मिली हैं। सुनक ने हार स्वीकार कर पार्टी से माफी मांगी है। उन्होंने स्टार्मर को भी फोन कर जीत की बधाई दी। बता दें कि इससे पहले सुनक ने अपनी सीट रिचमंड और नॉर्थलेटन से जीत दर्ज की थी। वहीं लेबर पार्टी से पीएम पद के कैंडिडेट कीर स्टार्मर भी लंदन की हेओलबोर्न और सेंट पेनक्रास सीट पर जीत चुके हैं।